मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको एक्सरसाइज 1A मैंने आपको सॉल्व करा दी थी। आज हम 1B एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो इनको हम सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले का जिसमें हमें दे रखा है 8/10, और हम जानते हैं 8 और 10 दोनों ही किसी न किसी संख्या के पहाड़े में आते हैं, और वो है 2। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 2 चौक 8, और नीचे लिख सकते हैं 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में मौजूद है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और ऊपर जो माइनस का चिन्ह है वो ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद आ जाएगा 4/5। अब हमें फिर देखना है कि 4 और 5 किसी एक ही संख्या के पहाड़े में आते हैं नहीं, अगर आते हैं तो उसके गुणनखंड हम दोबारा करते, लेकिन यहाँ पर नहीं आते, इसका मतलब 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। ठीक है, तो ये है इसका सरलतम रूप। चलिए एक और देख लेते हैं, 15/20। 15/20 किस बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े में आते हैं, तो आप जानते हैं ये 5 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको बराबर करके लिखेंगे 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। आपको दिख रहा है 5 दोनों के पास है, तो 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास केवल 3/4। तो ये गुणनखंड करके हम इनको सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको खुद करेंगे, ऊपर लिखेंगे 5 गुणा 5 और नीचे लिखेंगे 5 गुणा 9, जिसमें 5 से 5 कट जाएगा। प्रश्न नंबर 2, संकेत बराबर और बराबर नहीं है। अब यहाँ पर 2 चिन्ह दे रखे हैं, जिसमें एक का मतलब होता है बराबर है और एक का मतलब है बराबर नहीं है। और हमने पीछे पढ़ा था कि 2 परिमेय संख्याएं आपकी समतुल्य हो सकती हैं और समतुल्य नहीं भी। समतुल्य का मतलब बराबर और असमतुल्य का मतलब बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है ऊपर 4 और नीचे क्या है 5, ऊपर है 5 और नीचे है 7, तो ये आपकी बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे खा में दे रखा है 7/11, यानी अंक तो हमारे समान है, अंश अंश के बराबर है, हर हर के बराबर है। अब देखते हैं माइनस, माइनस का एक चिन्ह यहाँ लगा, एक चिन्ह यहाँ लगा है, और हमने पढ़ा है कि माइनस का चिन्ह अगर एक लगा होता है हर ऊपर नीचे, हम इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये चिन्ह ऊपर से तो कट जाएगा लेकिन ये नीचे आ जाएगा, और यह बन जाएगा 7/-11, जो इसके समान हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह केवल एक है, चाहे वो अंश में लगा है या हर में लगा है या उसके बीच में लगा है, यानी कहने का मतलब 7/11, एक बार मैं लिख के समझा देता हूँ, अगर कहीं पर लिखा है आपका 7/11 और 7/11, अगर माइनस का चिन्ह अंश में लगा है या हर में लगा है या इसके मिडिल में लगा है, तो ये तीनों ही संख्याएं एक दूसरे के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही ऋण चिन्ह है। अगर हम ऊपर का ऋण चिन्ह हटाएंगे तो नीचे बन जाएगा, और नीचे हटाएंगे तो ऊपर बन जाएगा, जिसको हम मिडिल में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 के बाद आते हैं, प्रश्न नंबर 2 के आप 3rd और 4th को खुद ट्राई करेंगे, जिसमें आप सबसे लास्ट वाला भी आप ऐसे देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ में कौन कौन से समान हैं। समान का मतलब ही बराबर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला पार्ट हमें दे रखा है उसमें अंश तो आपका 9 और 8 है, जबकि हर क्या है 12 और 12। तो जब हर समान है और अंश बराबर नहीं है, यानी अंक बराबर नहीं है, जब अंक बराबर नहीं है तो वह संख्या किसी भी तरीके से समान नहीं हो सकती, इसका मतलब ये समान नहीं है। फिर हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आप देख रहे हैं 7/21 और 3/9, तो यहाँ पर ये भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 9 21 के समान नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं हम खा पर, अगर आप ध्यान से देखें तो 15/45 लिखा है और 16/48 लिखा है, लेकिन सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें उनका कौन कौन से समान है, तो इसमें कोई भी समान नहीं है मेरे हिसाब से। आप देखेंगे ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे खा वाले को, ये लिखा है 15/45, 16/48, हम इसे सरलतम रूप में बदलेंगे। हम जानते हैं 15 का मतलब 15 गुणा 1, यानी 15 एकम 15, और नीचे आपका 15 3 45, जिसमें 15 से 15 कट जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही बना रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, वो भी माइनस। अब माइनस चिन्ह आप कहाँ लगाएंगे, मिडिल में लगा देते हैं, क्योंकि सिंगल है, एक ही माइनस है। अब इसको देखें, आप 16 को ले सकते हैं 16 गुणा 1 और 48 को ले सकते हैं 16 गुणा 3, जिसमें 16 से 16 कट जाएगा और बचेगा 1/3, और ऋण चिन्ह भी इसमें यही है, इसका मतलब दोनों का सरलतम रूप बराबर है, इसलिए ये संख्या समान होगी। तो इसमें खा जो है वो समान होगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले दे रखा है 3/4। 3/4 को अगर हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो हमें करना क्या होगा, जो अंश में संख्या लिखी गई है उसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम एक 9 खींच लेंगे, जिसे हम संख्या रेखा बोलते हैं, इसमें मिडिल में दिखाएंगे 0, ठीक है, और इधर लिखेंगे आप 3/4, तो इधर हम लिखेंगे 1, 0 के बाद 1, 2, 3, इधर लिखेंगे आप 1, 2, 3, माइनस माइनस माइनस, इन सभी के बटे में आप लिख देंगे 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है, इसके बटे में भी 4, ये भी 4, तो सभी के बटे हमने 4 लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 3/4 जो होगा वो 3/4 ये रहा, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 3/4,
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा 3/5, तो अब की बार हम 5 लिख देंगे, फिर है आपका 5/8, तो सभी कोटे में 8 लिख देंगे, फिर है 3/16, तो हम सभी कोटे में 16 लिख देंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से असमान है, असमान का मतलब बराबर नहीं है। तो इसे चेक करने का एक तरीका और भी होता है जो मैं आज बता देता हूँ आपको। तो असमान और समान परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हर में लिखा होता है उसको अंश में ऐसे गुणा कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 24 की गुणा अगर हम साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 28, 2 × 7 = 14 और 2 = 16। फिर हम इसकी गुणा करेंगे 8 × 8 और 8 × 2 = 16। आप देख रहे हैं दोनों ही संख्याएं बराबर आई हैं, इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस संख्या को भी कि परिमेय संख्या समान है या नहीं है, या फिर आप इसे सरलतम रूप में भी बदल के कर सकते हैं, जैसे कि 15/20 और 25/30 को आप 5 से भाग कर सकते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो इसका सरलतम रूप है 3/4, इसका सरलतम रूप है 5/6, जो आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या समान नहीं है। दूसरा तरीका, आप इसमें जो बटे में लिखा है, हर में लिखा है, उसको आप दूसरी ओर गुणा कर सकते हैं, जैसे 30 की गुणा अगर इधर कर देंगे तो 15 × 3 = 45, यानी ये आ जाएगा हमारा 450, और इसकी गुणा इधर कर देंगे तो 25 × 50, यानी आ जाएगा 500, जो आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आप बाकी परिमेय संख्याओं को समान और असमान चेक कर सकते हैं।